हेलो रिवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल इन दिस वीडियो वी हैव अ जॉब डेट विच इज़ कमिंग फ्राम जे एस एस सी झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की तरफ से वैकेंसी आ रही है गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है बट ऑल ओवर इंडिया आप अप्लाई कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया अप्लाई कर सकते हैं जो आपका रिक्रूटमेंट होगी वो जा करके झारखंड में होगी और ये पोस्ट है जेई की जैसा कि आप वीडियो के टाइटल से समझ ही गए होंगे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है और इसमें आपकी वैकेंसीज़ हैं 285 बाकी पूरी डिटेल अभी हम देखते हैं नोटिफिकेशन पूरी आपको दिखाई जाएगी एक एक डिटेल बताई जाएगी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं और ये दूसरी भी जो जॉब अपडेट्स की वीडियोस हैं इनको भी देख सकते हैं अगर आपने इन वीडियोस को मिस कर दिया है तो आप लेटेस्ट जॉब अपडेट्स बाई ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल्स इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं जहां पर आपको ये सारे एक साथ अटैचड मिल जाएंगे कई में ही क्या होता है कि लास्ट डेट निकल जाती है तो आई विल सजेस्ट कि आप तुरंत तुरंत तुरं अप्लाई तुरं करिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि कोई वीडियो मिस ना हो ठीक तो फटाफट फड़ से इसको देख लेते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो ये वैकेंसी है ये आपकी जी एस की है बट लास्ट डेट अभी इसमें है लास्ट डेट क्या है आठ मार्च 2022 लास्ट डेट है सौ रुपये फीस लगनी है और कुछ कैटेगरीज में छूट भी है वो छूट आपको तब मिलेगी जब आप झारखंड स्टेट वाले होंगे तब क्योंकि कैटेगरी बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में तभी मिलता है जब आप उस स्टेट के हों अदर स्टेट वालों को जनरल की तरह अप्लाई करना होता है पोस्ट आई हैं आपकी जो है जेई की यानी जूनियर इंजीनियर की कनीय अभियंता हिंदी में बोलते हैं विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के फिर आपका असैनिक यानी सिविल ब्रांच की है सिविल ब्रांच की अच्छी पोस्ट हैं 188 पोस्ट हैं और इलेक्ट्रिकल की देखी जाए फोर्टी सिक्स पोस्ट टोटल हैं और उसके बाद फिर बात कर रहे हैं कनी अभियंता यांत्रिक यानी फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच वाले जेई उनकी फ़िफ्टी वन पोस्ट हैं तो टोटल टू एट्टी फाइव पोस्ट हो जाती हैं हंड्रेड रुपीज़ फ़ीस मैंने आपको बता दी लास्ट डेट बता दी बी डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल हैं तो इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को लास्ट देखिएगा कई लोग जेई का नाम सुन कर के भाग जाते हैं यार कि जेई की वैकेंसी है तो बी वाले तो एलिजिबल होंगे ही नहीं बट यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया है कि भाई आपको जैसे इन्होंने बोला कि सिविल uh, का देख लीजिए ठीक है तो आपने सिविल में डिप्लोमा किया हो और साथ में ये भी लिखा है कि अगर आपने उच्च तकनीकी योग्यता धारित करी हो तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं तो आप बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो क्योंकि कॉम्पटिशन होगा स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है डेफिनेटली कॉम्पटिशन होगा और सैलरी देखिए काफ़ी अच्छी है लेवल सिक्स का पेमेंट है थर्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड टू वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड वाला पेमेंट है तो इसमें आप ये मान के चलिए कि फिफ़्टी फिफ़्टी थाउजेंड तक का आपको जो है मिल जाएगा आ, क्योंकि कुछ मॉलमेंट्स वगैरह वो सब भी मिलते हैं और नहीं तो स्टार्टिंग बेसिक पे भी देखें तो भी काफ़ी अच्छा है आपका ठीक है और अगर आप यांत्रिक वाले में देते हैं सब में सेम सैलरी है सैलरी की कोई दिक्कत नहीं और जेई की जो एक ऑफिशियल सैलरी होती है वही सैलरी हर जगह होती है तो वो सैलरी आपको मिलेगी और फिर आप आगे प्रमोट होकर करके अगर आप ग्रेजुएट हैं आप इसमें जाते हैं तो आपके चांसेस होते हैं कई काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन के भाई आपने बी किया हुआ है आप जेई की पोस्ट पर जाते हैं कुछ साल एक्सपीरियंस के बाद फिर आप ए भी बहुत जल्दी बन जाएंगे और डिप्लोमा वाले भी जो जा रहे हैं वो भी यही बन जाते हैं हाँ थोड़े समय बाद तो कोई दिक्कत की बात नहीं है डिप्लोमा बेटिक दोनों ही एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं आप ख़ुद भी भरिए फॉर्म और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत होगी जो इन ब्रांचेज से हैं क्योंकि ये एक अच्छा मौका है ट्वेंटी फाइव पोस्ट गवर्नमेंट जॉब में बहुत जल्दी नहीं निकलती हैं साल भर में एक बार या कुछ सालों में एक बार जा कर के निकलती हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई करिए इसमें ठीक है जो आपकी प्रतियोगिता में कुछ आपने मेडल वगैरह जीते हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत जो रिजर्वेशन होता है जो आपका ओलंपिक में खेले हों तो उसके लिए कुछ रिजर्वेशन होता है तो वो सब है ठीक है और जो आपकी एज वाली लिमिट है तो ऐज लिमिट की काउंटिंग इस तारीख से होगी तो ये देख लीजिएगा देखिए पूरा नोटिफिकेशन थर्टी थ्री पेजेस का मैं नीचे अटैच कर दूंगा वो आप देख लीजिएगा ठीक तो फॉर्म भरने का कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है आप सीधे इनके साइट पे जा करके अप्लाई कर सकते हैं और इसमें बाकी कुछ डिटेल्स देखिए दी हैं एक बार आप देख लीजिएगा कि सारी डिटेल्स को देख लीजिएगा ये कुछ टेंथ वाले आप कब वहाँ से होना चाहिए अदरवाइज़ कुछ आपका अलग से लैंग्वेज का टेस्ट भी लिया जा सकता है आ, वो चीज़ें आप देख लीजिएगा वो क्लियर हो जाएंगी वहाँ पे। और रिजर्वेशन आपको तभी तो मिलेगा जब आपने वहाँ से पढ़ाई करी हो वहाँ के आप हों ठीक है और उसके आगे अगर मैं देखता हूँ जो आपका इसका सिलेक्शन है वो बेसिकली आपका रिटर्न टेस्ट वगैरह होगा उसका पैटर्न मैं देख लेता हूँ अगर पैटर्न बताया गया है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ परीक्षा का स्वरूप ये है आपके सामने तो पदों में आपका सी लिया जाएगा नॉर्मलाइजेशन होगा फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एम आएंगे और तीन घंटे का पेपर होगा ठीक है पूर्णांग सॉरी पूर्णांक तीन होंगे और गलत का माइनस मार्किंग भी होगी पात्रता में देखिए प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे और आपका जो ये है पद हैं तो उसके लिए सीधी भर्ती में फिर आपका जो है मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे तो एक तो पहले तो आपको जो है इस तरह से परीक्षा एक चरण की होगी पहली बात तो ये है ऐसा नहीं है कि प्री मेंस हो रहा है तो एक ही चरण में होगा बट उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और किस तरह से होगा वो आपके सामने दो घंटे का ये है और दो घंटे का दूसरा तो, तो, तो टोटल चार घंटे का एक एक क्वेश्चन तीन मार्क्स का और नेगेटिव मार्किंग माइनस वन ठीक तो सामान्य अभियंत्र यानी मतलब जनरल इंजीनियरिंग और और दूसरा है कि जनरल साइंस जनरल जी ठीक है तो ये पहले पेपर में होगा दूसरे पेपर में आपका जो है जो स्पेसिफ़िक ब्रांच का हो गया वो हो गया तो एक तो जनरल इंजीनियरिंग पूछिए कॉमन इंजीनियरिंग और एक दूसरे पेपर में आपका जो है जो आपकी ब्रांच की इंजीनियरिंग है तो ये पेज नंबर ट्वेल्व पे दिया गया है नोटिफिकेशन के तो आप एक बार खुद से भी इसको देख लीजिएगा ये पूरा सिलेबस भी दिया गया है ठीक है जो तो आपका एग्ज़ाम होना है उसका सिलेबस पूरा दिया गया है एग्ज़ाम कब होगा उसकी डेट तो नहीं बताएगी बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मई जून में जा के ये एग्ज़ाम हो सकता है अगर कोविड ओविड की सारी सिचुएशन सही होती हैं तो ठीक तो ये तमाम चीज़ें हैं आपका पूरा नोटिफिकेशन मैं स्क्रॉल करके पूरा दिखा दिया हूँ थर्टी थ्री पेजेस का कुछ चीज़ें मिस हो गई हूँ तो आप एक बार देख सकते हैं बाकी चैनल से जुड़े रहिए मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू वेरी मच अ नाइस डे